प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, आज आपको एक ऐसी गवाही दिखाने जा रहा हूं, जी हां मेरे मसीही भाई बहनों, जिसका आप इस गवाही को सुनकर थोड़ा सा खुशी महसूस होगा, थोड़ा सा अचंभव होगा। जी हां मेरे मसीही, टीवी सीरियल में काम करने वाला राधा कृष्ण की जोड़ी, जो टीवी सीरियल में काम करने राधा और कृष्ण का करेक्टर निभाने वाला इंसान, आज जो है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह के बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ मेरे मसीही भाई बहनों, तो आज हम आपको जो देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है जो यही व्यक्ति जो है, महिला जो है, जो राधा का रोल निभाती हैं, इनकी मैं आपको गवाही बताने जा रहा हूँ मेरे मसीही भाई बहनों। दिखाऊंगा भी, इनकी मुंह जुबानी भी सुनवाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने गवाही दिया है कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे कैसे महसूस होता है। तो आइए मेरे मसीही भाई बहनों, हम इनकी वीडियो क्लिप को देखें। ये रहा वो वीडियो क्लिप, आइए देखिए इस वीडियो क्लिप को। और हमेशा मेरे बैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मेरे साथ रहती है, वो ये बाइबल, जो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ती हूँ। ये देखो, और बहुत चाहती हूँ। मसीह ने मुझे जीसस क्राइस्ट की स्टोरी सुनाई थी, तो मैं बहुत, मैंने मुझे तो बहुत था कि मुझे और जानना है, और जानना है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, और जब भी मैं शांत नहीं होती हूँ, बहुत रेस्टलेसनेस होती है और बहुत स्ट्रेस रहता है, तो मैं हमेशा प्रेयर पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। और ये मेरे मसीही भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा है किस तरह से ये महिला जो है, ये सिस्टर जो है, किस तरह से बाइबल को पढ़ती हैं। जब ये फ्री होती हैं तो बाइबल को पढ़कर इनकी मनों को शांति मिलती है। जी हाँ, पवित्र बाइबल एक ऐसी बाइबल है जिसे हमें शांति देता है, क्योंकि उस बाइबल के अंदर मार्ग, सत्य और जीवन, यानी आशीष का मार्ग पिता परमेश्वर का अनुग्रह से उसमें है। जी हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक यीशु मसीह की बातें हैं जो हमें एक नई दिशाएं की ओर, मेरे मसीह भाई, एक नई ऊर्जा की ओर, एक नई आशा की ओर, जो हम टूटे हुए होते हैं, जो हम बिखर चुके होते हैं, जो कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई उजियाला नहीं दिखता है, जब हम इस बाइबल को हाथ में थामते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमें मार्ग दिखता है, हमें रास्ता दिखता है, हमें हमें मन को शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी महसूस होती है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये कनिका नाम की एक महिला जो राधा के टीवी सीरियल में एंकरिंग करती है, मेरे मसीह भाई बहनों, एंकरिंग करती है मतलब वो एपिसोड को, मतलब उस भूमिका को निभाती है, राधा का मतलब भूमिका को निभाती है, और उस भूमिका को निभाते के साथ साथ वो बाइबल को भी पढ़ रही है, वो प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश कर रही है, वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आना चाहती है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना आती है, वो प्रभु यीशु मसीह से बातें करती है, वो प्रभु यीशु मसीह से आशीष को प्राप्त करती है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज जो है लोग इसी तरीके से प्रभु यीशु के पीछे झूठ के झुंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर एकमात्र सच्चाई है, क्योंकि यीशु ही मात्र एक सच्चा खुदा है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु ही एकमात्र सच्चा खुदा है। जैसा कि अभी आपने इसकी कनिका का मुजवानी आपने सुना कि जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मुझे शांति मिलती है, और यीशु मसीह से जब प्रेयर करती हूँ, दुआ करती हूँ, तो मुझे आशीष प्राप्त होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना पसंद करते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को समझना नहीं चाहते, और बहुत ऐसे होते हैं जो पास्टर पर झूठा आरोप लगता है धर्म परिवर्तन का। बहुत ऐसे लोग हैं, जब लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं, जो चर्च में जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं, उसके लोगों कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर लिया, ये प्रभु यीशु मसीह के, इसको पैसा मिला है धर्म परिवर्तन का, इन कनिका को किसने पैसा दिया धर्म परिवर्तन का, ये किस तरह से, ये प्रभु यीशु मसीह, कितना भी जोर लगा लेगा कोई, पूरे संसार, शैतान की ताकत कितना भी जोर लगा लेगा कि इस खुदा के पास, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास, इस खुदा के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्य के लिए। जी हाँ, वो जो लोग मना करता है, जो लोग रोकता है कि उधर मत जाओ, उससे उससे उसके पास मत जाओ, वो पैसा देके ये करवाता है, दुनिया ठेकान लंथन जो भी बातें होता है वो बातें बताता है, लेकिन ये खुदा, जब हमारा परमेश्वर, ये जो है, ये परमेश्वर जो है, ये कुछ भी करा सकते हैं, इनके हाथ में सब कुछ है। हम सांसें भी लेते हैं तो इनकी बदौलत लेते हैं, हम आज वीडियो भी बना रहे हैं, ये स्क्रीन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनकी बदौलत है, इन्हीं के द्वारा मैंने सारा काम करता हूँ मेरे मसीह, और हर एक इंसान इसी के द्वारा काम करता है, क्योंकि ये
विधाता है, ये आदि और अंत भी है मेरे मसीह भाई बहनों। आज पूरी दुनिया इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने को तैयार है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।